एक पासे जिथे पत्रकारिता नूं लोकतंत्र दा चौथा थंब कहा जांदा है, पत्रकार दी कलम तों लिखिया हर शब्द सच्चाई दी आवाज़ हुंदा है जिस नूं अज तक कोई भी दबा नहीं सकिया। साडे देश विच कुछ अजिहे भी पत्रकार हन जिन्हां ने सच्चाई खातर अपनी जान तक दी परवाह नहीं कीती ते उन्हां ने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई लिखण ते इलावा कुछ नहीं कीता। अते कुछ साल पहलां दी पत्रकारी अते सोशल मीडिया दे जमाने दी पत्रकारी विच जमीन आसमान दा फर्क आ चुका है, जो कि सोशल मीडिया दे जमाने विच हर कोई अपने आप नूं पत्रकार समझदा है। अजिहा ही मामला अमृतसर के बस स्टैंड के नज़दीक देखने को मिला, जिथे ट्रैफिक पुलिस वालों नाका लगाया हुआ सी। नाके दौरान ट्रैफिक पुलिस वालों शक्की वाहन रोक के उसकी बरीकी नाल चैकिंग की जा रही थी। हर एक व्यक्ति को गड्डी के कागज और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। इस दौरान जब पुलिस ने एक नौजवान को रोक के उस को मोटरसाइकिल के कागज पूछे तो वह अपने आप को पत्रकार दस के पत्रकारी की धमकी पुलिस अधिकारी को दे लगा। पुलिस वालों उसका आई डी कार्ड पूछे जाते उस नौजवान ने तुरंत अपना आई डी कार्ड पुलिस को दिखाया। पुलिस ने जब उस नौजवान से शक हो आई डी कार्ड की जाँच करते पता लगा कि यह प्रेस का आई डी कार्ड नकली है, जिस तो बाद अमृतसर प्रेस क्लब के प्रधान राजेश गेल पुलिस वालों मौके पर बुलाया गया। सारी जाँच करने के बाद पता चलिया कि लॉकडाउन दौरान पुलिस तो बचन खातर इस नौजवान वालों 800 रुपए के नकली प्रेस कार्ड बनाया गया सी। हर बार पुलिस तो बचन के लिए वह इस आई डी कार्ड की दुरवरतों करता सी। देखो एक बड़ा वड्डा मामला सी, बड़ा संगीन मामला है जिन्हों देखा जाए। कारण यह है कि एक जाली कार्ड बनाना, जाली कार्ड प्रेस का जाली कार्ड कैरी करना और उसनों उस तो बाद मिसयूज़ करना बड़ी वड्डी गल है। असी बड़े जिनी वारी भी साड़ी मीटिंग्स होंगी है उदों ये कहा जाता गल कि जिहड़े जाली पत्रकार है उन्हां तो लोग त्रस्त ने, उन्हां तो पत्रकार त्रस्त ने, तो उन्हां बारे कोई कार्रवाई की जाए। अज जदों साहिल है साडे रिपोर्टर ने इन्होंने ध्यान दे विच लिया, सारे दे ग्रुप दे विच पूरा मैसेज चलिया इस बारे। सारे ने पुरजोर मांग की कि जे कोई गलत बंदा फड़िया जाता तो उत्ते सख्त कार्रवाई की जाए। अज असीं इत्थे थाने आए हैं तो एक जो लड़का सीगा, लड़के ने की किया कि जदों उस तो पुलिस ने पूछा तो पुलिस ने उन्हें कार्ड विखाया, पुलिस वाले उन्हें कार्ड विखाया। कार्ड जिहड़ा सीगा वो किसी दिल्ली की किसी कंपनी वालों कहना कि मैं लिया वा कार्ड, वो पेमेंट भी की उन्हें, तो कार्ड जिहड़ा सी वो पुलिस ने दिखा रहा है और इतों तक उन्हें कहा कि कोरोना के भी इन यूज़ करता रहा, कोरोना पीरियड के भी, तो हूँ जिहड़ा कार्ड है वो दिखा के पुलिस तो बचने की कोशिश कर रहा है। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो वास्ते कि जे कुछ पत्रकार उत्थे पहुँच गए, उन्होंने चैक किया तो वो कार्ड उन्होंने कहा कि नकली है, तो वेरीफाई भी किया असी जदों असी ग्रुप दे विच पा के पुछया कि जे कोई इस शख्स नूं जानदा तो इहदे बारे जानकारी दित्ते, सारे ने कहा कि जाली है, कोई इस तरह की कोई गल नहीं हैगी। उस दे मुताबक जिहड़ी पुलिस ने उन्हूं थाने लै आंदा, इस वेले थाने दे बाहर अहीं खड़े हाँ। इस थां ते एक गल होर पता लगी जिहड़ी कि एक रिप्यूटेड जिहड़ा जगह नाल इह बंदा कनैक्टड आ और सीक्रेट जगह वा जिस चीज़ ना कनैक्टड है, खैर उस चीज़ का सानू अफसोस भी आ, पर जिहड़ा किसी ने जुर्म किया है क्योंकि गल जिहड़ी आ हुण बहुत हाई लैवल तक पुलिस दे कोल पहुँच चुकी है, तो जिहड़ा जुर्म किया है जुर्म की सज़ा जिहड़ी मिलनी जरूरी है ताकि बाकियों भी कान होन। और इतने आके जी गलबात हुई है पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और बकायदा जो धारा बनती है उसके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। तो मेरी सारयां नूं अपील आ, सारे लोग जिहड़े वेख रहे ने वीडियो उन्होंने ये अपील आ कि अपनियां इन्हां हरकतां तो बाज आ जाओ, क्योंकि साडी जिहड़ी पुलिस नाल भी हाई लैवल ते मीटिंग हो चुकी है कि जिहड़े लोग दूसरियां नूं ब्लैकमेल करदे ने, जाली कार्ड बणाउंदे ने और बिना किसी अथॉरिटी तो मूव कर रहे ने, उन्हां दे खिलाफ़ हुण इसे तरीके नाल परचे दर्ज होणगे, जेलां च जाणगे, उहदा कोई फायदा नहीं। तुहाडा तुसीं परेशान होगे, तुहाडा परिवार परेशान होएगा, इस करके जिहड़ियां जालसाजियां छड्ड दिओ, नहीं तो बहुत भयंकर सिट्टे जिहड़े वेखणे पैणगे। इस करके हुणे हुणे बाज आ जाओ, तुहानूं थोड़ा समां वा, एक हफ्ते का मान लो समां वा कि अपना जिहड़ा इहो जिहे काम है जिहड़े उहनूं तुरंत बंद कर दो, नहीं तो किसी किस्म की कोई रहमदिली नहीं विखाई जाएगी। और मैं अपने सारे पत्रकार साथियों जिदा साहिल ने यह चीज़ नोटिस लियांदी है, सारयां नूं इह अपील है कि वो अजिहियां चीज़ां जदों वेखदे ने वो साडे नोटिस जिहड़ी साडे सीनियर पत्रकार इत्थे मौजूद ने ते वो सारे दे नोटिस दे विच चीज़ जरूर लियांदी जावे। प्रधान जी, कई जिहड़े प्रेस वाले हैगे ने जिन्हां ने कोई कार्ड बनाते 200-200 रुपए दे उपर कार्ड बनाए जांदे, उन्हां नूं कोई अपील करना चाहोगे प्रेस वाले नूं? बिल्कुल, ये बड़ा वड्डा जुर्म कर रहे ने, बहुत गलत काम कर रहे ने, लोगों नाल धोखा कर रहे ने, क्योंकि ये रैकगनाइज्ड पत्रकार हैगे नहीं और यही लोग ने जिहड़ियां कि गलत खबरां फेक न्यूज़ जिहड़े लोगों तक पहुँचाउंदे ने, जिहड़ियां कि लोगों तक नहीं पहुँचनिया चाहिए, क्योंकि जे जदों इहो जिहियां खबरां पहुँचदियां ने समाज के खलबली मचदी है, अनरैसट समाज के हुंदा है, तो उसके नतीजे बड़े भयंकर निकलते हैं। और इस वेले जो समा चल रहा है उस बड़ा जिम्मेदारी का समा है, इस वेले कि बड़े जिम्मेदारी नाल पत्रकारां नूं अपनी ड्यूटी जिहड़ी निभाउणी चाहिए आ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਥੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓਗੇ? ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਲੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਕੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਰੀਡੀਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਆ, ਉਹ ਆ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ RNI ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਕਰੀਡੀਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ RNI ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਖੌਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਡਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਤੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ।